जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें, एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की। सड़क दुर्घटना में पति पत्नी की हुई मौत, आंसू गैस के खोले दागे, युवक की आंख हुई खराब, चोरी के आभूषण के साथ युवक हुआ गिरफ्तार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सड़क दुर्घटना में पति पत्नी की हुई मौत, चिकलधरा में पति पत्नी थाना अंतर्गत कोयरल से पांच डोंगरी मार्ग पर दोपहिया के आमने सामने टक्कर होने से दोपहिया सवार पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक महादेव अखंडे और घायल हो गए शोभा अखंडे की 28 अगस्त की शाम चिकलधरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। महादेव अखंडे पत्नी शोभा के साथ दोपहिया से गाँव की ओर जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से आ रही दोपहिया ने उन्हें टक्कर मार दी। इनमें से सिर पर गहरी चोट आने से महादेव की मौत हो गई और शोभा गंभीर रूप से घायल हो गई। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आंसू गैस के गोले दागने से युवक की आंखें हुई खराब। यवतमाल में आगामी पर्व त्योहार के मजेदार आपदा की स्थिति से निपटने के लिए गुरुवार को पुलिस दल की ओर मेडिकल कॉन्स्टेंट ली गई, जिसे हालांकि यह पर अभ्यास के दौरान दगा नियंत्रण का भी प्रदर्शन किया गया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। इस आंसू गैस के पेट्रिकल्स एक युवक की आंख में जाने से उसकी आंखें पूरी तरह से खराब हो गई। उक्त घायल का युवक का नाम शाहरुख अली तोहर अली बताया गया। इसके साथ ही दो अन्य यवतमाल में आपात स्थिति में निपटने वाले मेडिकल करती पुलिस लोग भी मामूली रूप से घायल हो गए। शाहरुख को सहकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, आंखों को जख्म गहरा होने से इसे इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया। शाहरुख को मॉनिटरिंग देखना बहुत ही महंगा पड़ गया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। चोरी के आभूषण के साथ युवक हुआ गिरफ्तार। अमरावती में यशोधरा नगर में एक मकान में दिन दहाड़े 75,000 के आभूषण चोरी करने के मामला सामने आया, जिसमें फिजरपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 90,000 के गहने जब्त किए। आरोपी तेजस गमनीर एक निवासी आनंद कामले जुलाई की दोपहर घर का ताला तोड़कर बाहर गए थे। देर शाम घर लौटे तो उन्हें ताला टूटा हुआ नजर आया। अलमारी में उसे रखे 75,000 के आभूषण चोरी मिले। फिजरपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। लुबीना नगर में एक युवक चांदी बेचने का प्रयास करने की खबर मिलने पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया, पुलिस जांच कर रही है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा हाई ट्विटर को कॉ फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।